हाय 12th दादा साहेब फालके फिल्म फेस्टिवल 2022। मेरा नाम ओम चंदा है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ। मेरा नाम अमृत मुखर्जी है और मैं इस फिल्म के एडिटर और स्क्रीन प्ले का काम किया है। मेरा नाम दीपांशु लोध है और मैं इन फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक का काम किया हूँ। तो मैं एक एनिमल लवर हूँ, बचपन से मैं एक एनिमल लवर हूँ। तो एक दिन मैं जब घर से निकल रहा था तो मैंने देखा मेरे घर के सामने एक डॉगी को एक आदमी बहुत तरीके से मार रहे थे और बहुत बुरी तरह से उसको पीट रहा था। तो मैंने उसको बहुत रोका, तो मैंने उसके साथ लगभग एक फाइट भी हो गया। तो मैंने तब से ठान ली कि कुछ करना चाहिए इस डॉग में, एनवायरमेंट सबको अगर मतलब अवेयर किया जाए ये सब्जेक्ट के लेकर। मतलब इसको मत पीटो, मतलब ये इनोसेंट है, इसको मत पीटो। ये अवेयर कर दिया जाए तो आई गेस के सब लोग यही मानते हैं कि कुछ तो कम होगा, कुछ तो कम होगा। तो तब से मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का ठान ली, तो मैं बनाना शुरू किया। तो मेरे एक्सपीरियंस था, तो मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, तो मैं क्या करूँ। जब मैं छोटा था, कैमरा कहाँ से लाऊंगा, इतने महंगे महंगे कैमरे। तो मेरे पास पॉकेट मनी भी उतना नहीं था जो मैं कैमरा खरीद सकता था। तो फिर मैंने कुछ साल वेट किया, तो मैंने फाइनली एक डॉक्यूमेंट्री बना लिया उस स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर, जो मेरे ख्याल से ये वेस्ट बंगाल में पहली जो ऐसी मूवी डॉग्स के लेकर हुआ है, बट ऐसी नहीं जो एनिमल एक्टिविस्ट भी साथ में लगा, कैसे उसको रेस्क्यू करा जा रहा है, उसका जो सब अवेयर कर रहा है सब लोगों को। तो इसलिए तो उसके बारे में भी आपने क्या सोचा कि ये फिल्म कैसे बनाए? पहले तो मैं बड़ी बात ना करना चाहता हूँ, एक फिल्म बनाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तो मेरे पास कोई पैसे नहीं था, तो मैंने मेरे जो यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड है वो एडिट करता है, तो मैंने उससे बोली, तो कॉन्सेप्ट जब दिया तो वो बहुत खुश हो गया। तो बोला है भाई हम ये एडिट करेंगे। तो ये दीपक शूल होता है जो मेरे जो ब्रदर है, तो मैंने उसको बोला है म्यूजिक करने के लिए, तो पहले वो राजी हो गए। तो मैंने सोचा ये है तो कोई बात नहीं, हम फिल्म बना लेंगे। कैमरा तो मेरे पास भी, एडिटिंग सेटअप भी है, म्यूजिक भी है, तो फिल्म पिक्चर बनाएंगे। शूटिंग के टाइम में तो एक नहीं बल्कि बहुत चैलेंजेस का फेस किया है, तो मैंने सब एक बोलूंगा। तो मेरा जो एक पॉइंट है जो है, आप लोग जब ये पिक्चर देखेंगे, यहाँ पर एक रैली है, तो वो रैली कब लगभग एक साल बाद वो रैली होगा। तो मैंने उस एक साल में पहले जो मैंने शूटिंग को थोड़ा स्टॉप करके फिर मैंने जो एक साल का जो गैप दिया जो रैली का, उसके उस दिन का मैं वेट कर रहा था जब वो कब आएगा। तो मेरे साथ में एक चैलेंज है और लगभग करीब 1000 लोग उस रैली में थे। तो मैं पेशेंस से मैंने वो माना है। तो एक चैलेंज लगभग एक साल बाद। हम टेक्निकल साइड से चैलेंज बताए तो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत सारे फुटेजेस को मिला के बनाया गया है, बहुत सारे फुटेजेस को सिलेक्ट किया गया, बहुत सारे फुटेजेस को डिलीट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भी कि मैं एज एन एडिटर स्टोरी लाइन कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं शूटिंग के प्रोसेस में नहीं था। मैं था जब मेरे पास फुटेज आए थे, फिर मैंने पूरे फुटेजेस को बैठाया एडिट टाइमलाइन में। फिर मुझे ये लगा कि मुझे और फुटेजेस चाहिए इस फिल्म को बनाने के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि मैं एडिट करते वक्त फिल्म को फिर शूटिंग प्रोसेस में लेके गया, जिसमें ओम ने मेरे फुल सपोर्ट किया। मैं जो शॉट्स बोलता था वो लेके आता था। ऐसे करते करते हमने फाइनली फिल्म को वो विजन दिया जो हम लोग डे वन से चाहते थे। जो टारगेट ऑडियंस है वो सब लोग है, जैसे बच्चे बूढ़े सब देख सकते हैं। तो मैं ये पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे हैं तो बच्चे में पहले ये फिल्म देखना चाहिए, इसीलिए कि पहले जब वो बड़े होंगे तब वो जो डॉगी के ऊपर कोई पत्थर ना फेंके। तो पहले से ही उस वो एवर रहेगा। तो जब नेक्स्ट जनरेशन भी आएगा तो वो बोलेगा नहीं, इसके ऊपर पत्थर मत मारो, ये भी हमारे परिवार का एनवायरमेंट का भी एक हिस्सा है, तो इसको कोई हार्म ना करो। अलग क्यों है बाकी फिल्मों से? फिल्म अलग है, यहाँ पर जो है वो सब ट्रू इंसिडेंट है, आप लोग देखिए ठीक है। वो ट्रू इंसिडेंट के बाद वैसे वो रिकवरी हो रहा है। जब मैंने यहाँ पर कोई शूटिंग मतलब सीक्वेंसली नहीं है, मतलब इधर पे बहुत सारा सब कुछ लाइव हो गया है, मतलब बहुत सारा सीक्वेंस लाइव ले लिया। मतलब फिल्म बहुत रियल है, बहुत रियल है, सोच के नहीं किया। मतलब ये फुटेज सोच के इधर पे अब वो इधर से चल के आएगा, ऐसा नहीं है ठीक है। उधर से आ रहा है और मुझे लगा कि अभी इधर से, और ओम को लगा इधर से ऐसा लग जाएगा। मतलब फिल्म बहुत नेचुरल, इनोसेंट, रियल है एकदम। पूरा ऑडियंस जो फिल्म का है वो यूथ है, कि अगर जो बच्चे लोग जो मतलब रास्ते के कुत्ते देख के डरते हैं, तो वो डर अगर मतलब ऑलमोस्ट डर मतलब बोला जाता है कि डरो इससे। तो हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि फिल्म से ये समझाना कि वो भी इनोसेंट है, उन्हें भी प्यार चाहिए, उन्हें भी प्यार देने का एटलीस्ट मौका तो दो, कि एटलीस्ट ये लोग भी तुम्हारे साथ ही जी पाए। अभी तक मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ ज्यादा नहीं सोचा, तो पहले मैं ये कुछ थिएटर में स्क्रीनिंग करना चाहता हूँ फिल्म, फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग प्रॉपर प्लान कर रहे हैं, बट हाँ, अभी तक हमने कोई फाइनलाइज नहीं किया है। अगर कोई आ सकता है तो हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान, कुछ हमारे कोई मदद करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जो ऑडियंस है वो ये फिल्म क्यों देखने वाले है तो ये अवेयरनेस के लिए आप देखना चाहिए। थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग आवर फिल्म निर्भक एंड अनकंडीशनल लव स्टोरी। तो आप लोग दिखाने के लिए आपको बहुत से थैंक्स करना चाहते हैं। तो आप पूरे मतलब हम लोग एक्चुअली ये फर्स्ट फेस्टिवल है जिसमें हम लोग ने फिल्म खत्म करके अप्लाई किया था, तो ये सिलेक्ट हुआ है। और ये दादा साहेब फालके का स्टेज हमें बहुत दूर ले जाना, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बहुत दूर ले जाए और अपकमिंग डेज में अवार्ड्स मिले और फिल्म मतलब लोगों तक पहुंचे। एटलीस्ट ये अवेयरनेस तो चले जाए कि ये फिल्म एक जो कॉज के लिए बना है वो कॉज पूरा करे, एक पॉइंट तक सक्सेसफुल हो, यही हम चाहते हैं। और इसके लिए हम पूरा मेहनत करने के लिए अभी भी रेडी है। थैंक यू सो मच।